कश्मीर में आतंकवादी भेजने वाले पाकिस्तान को डराने वाली एक और खबर आई है कि भारत की जो सरकार है वो अमेरिका से F-35 फाइटर जो जहाज है वो खरीद रही है। यार फाइटर जेट का तो पता नहीं कितना फायदा होगा, लेकिन हमें तो इतना पता है कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। रशिया भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो, यूएसए भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो, तो इंडिया ने अपने आप को जो जियोपॉलिटिकली इतना स्ट्रॉन्ग कैसे कर लिया। F-35 जो है ये देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट इन द वर्ल्ड। हमारे पास एलसी खोलने के लिए डॉलर्स है नहीं, एलसी हमारी बात, फाइटर कैसे खरीद के हमने क्या करने हैं। F-35 से इंडिया को कितना फायदा होगा? फायदा तो होगा जाहिर है, जब वो हमारे से जंग करेंगे उसके उनके पास हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी का अगर होगा। ये पाकिस्तान एंड शायद ये समझता है कि जितना ज्यादा इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी इनहेंस हो रही है, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। एडवांस लेवल का उन्होंने इंडिया को ऑफर कर दिया, अभी हमें नहीं ऑफर किया। F-35 कह रहा है कि दुनिया का एडवांस तरीन जो है ये फाइटर जेट है। फाइटर जेट जब हम खरीदने पाए तब हमारे पास पैसे हो जाएंगे, आप ये देख लीजिएगा। इंडिया हर चीज में आगे निकल चुका है, किसी एक सेक्टर में हम उनसे आगे हों मुझे नहीं लगता। नहीं है, नहीं बिल्कुल हो ही नहीं सकता। क्या वजह है? क्योंकि यहाँ के हुक्मरान ही नहीं ठीक। यहाँ के हुक्मरान ठीक होंगे, यहाँ की आवाम ठीक होगी तो ही पाकिस्तान का कुछ बनेगा। नरेंद्र मोदी की हुकूमत को शाबाश देती है जिस तरह से उन्होंने? बहुत शाबाश देती हूँ। देखिए अभी उनको 8 साल हुए हैं, दूसरी हुकूमत को 8 साल हो गए, 2 दफा आ चुके, 3री दफा भी वही आएंगे। आपको लगता है पाकिस्तान की इस टाइम ऐसी कंडीशन है कि हम मुकाबला कर सके फसना फसाना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सकते हैं, ठीक है। हम तो डरते नहीं है मौत से, वो तो मौत से भी डरते हैं। और कहा जा रहा है कि ये जो F-35 है ये बहुत ही लीथल है, सर्वाइवेबल है, सर्वाइव करता है। और ये जो फाइटर जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जो जेट्स हैं, उनकी क्लास में सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। से होना ही कुछ नहीं, ठीक है। चांद पे चला गया तो क्या हो गया? नहीं, चांद पे जाना छोटी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। दुनिया में अभी तक 4 कंट्री गए हैं, चले गए ना, और भी कोई ऐसी इशू नहीं है, ये इशू कोई नहीं है। अब लॉकेट मार्टिन जो है वो जारी बात है इंडिया के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। सो इंडिया को ये सारी की सारी बड़ी एडवांटेजेस मिल रहे हैं जो पाकिस्तान शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकता या शायद सोच भी नहीं सकता। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि कार मेकिंग जो है जापान को बड़ा इंडिया बन रहा है, तो जारी बात है इस चीज अगर हम उनके साथ अगर आप फाइटर भी खरीद रहे हैं, तो अगर फाइटर की मैं जो है प्राइस की बात करूं तो वो 450 मिलियन डॉलर्स बनती है, तो अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम भी खरीद लेते उनसे। यार हमारे पास एलसी खोलने के लिए डॉलर्स है नहीं, एलसी हमारी बंद पड़ी है, फाइटर कैसे जेट खरीद के हमने क्या करने हैं? यही तो मेन इशू है ना, तकरीबन 6 महीने हो गए एलसीज बंद पड़ी हुई है, इम्पोर्ट कुछ हो नहीं रही पाकिस्तान। अपना हम डिफॉल्ट कर रहे हैं तो हम फाइटर जेट कैसे खरीदेंगे उनसे इतने महंगे महंगे? इंडिया तो खरीद रहे, इंडिया के तो पास पैसा है नहीं। फाइटर जेट जब हम खरीदने पाए तब हमारे पास पैसे हो जाएंगे, आप ये देख लीजिएगा। अच्छा, हाँ अभी हमारे पास भी F-35 जो है खरीद लेगा अमेरिका से। देखे जब खरीदना, इन्होंने इस तरह की चीजें खरीदनी हो ना फिर इनके पास पैसे आ जाते हैं। अब ये फाइटर जेट्स अब हमारी 8वीं ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा हमारे पास तैयारे जितने भी हैं जहाज, जंगी जहाज ये वो, उस लिहाज से हम बहुत बेहतर हैं। आर्मी हमारी पैशनेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, इसी वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं। नहीं तो बहुत सारी फोर्सेज हैं जो हमें अंडरडू करना चाह रही है, लेकिन जो मेन चीज़ है मेरे ख्याल में वो ये है कि हमें ना देखना ये है कि हमारी आवाम किस चीज़ में वादा। हम पाकिस्तान मुल्क जिस तरह आपने अभी रिसेंटली बात की डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं हम, तो हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़े हुए हैं और हम उधर बातें करें जी हमने तैयारे खरीदने हैं, जंगी तैयारे खरीदने हैं, ये खरीदना वो खरीदना, तो दैट ये कोई मतलब नहीं बनता ना इस चीज़ का। हमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी पर अपनी चीज़ें रखनी चाहिए वो ये है कि हमने अपने आवाम का सोचना है, हम एजुकेशन में हमने इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। इसके अलावा हमने अपने जो जितने सेक्टर इंजीनियरिंग सेक्टर या मैं इंजीनियर हूँ जिसलिए मैं बात घुमा के इंजीनियरिंग की तरफ ले जाता हूँ, तो जितने भी इवन हमारे सेक्टर्स हैं मेडिकल की फील्ड देख लें इंडिया हमसे बहुत आगे है, कोई भी इसी तरह इंजीनियरिंग है या आईटी है हर चीज़ में इंडिया हमसे आगे जा रहा है, तो हमें भी तो खुद को आगे लेके जाने कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एग्जैक्ट लद्दाख से ये न्यूज़ आ रही है इंडिया साइड जो सा एरिया है कि वहाँ पे वो वर्ल्ड हाईएस्ट एयर जो सा एयरफील्ड बनाने जा रहे हैं, अनाउंस उन्होंने कर दिया है। कभी वो कश्मीर में जो सा G20 की मीटिंग करवाते हैं, कभी वो वहाँ पे वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज बनाते हैं, यानी वो लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, नारों की बजाय काम कर रहे हैं और हम लोग नारे लगा रहे हैं। देखिए इनमें से कोई मुखलस है ही नहीं, अगर कोई मुखलस हो, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हम सब पर्सनली तौर पे करप्ट हैं। पर्सनली सब पब्लिक भी बीच सब भी हम मैं भी शामिल हूँ, ठीक हो गया। जब तक पर्सनली किसी ने सेट नहीं होना ना, अपना कोई एम नहीं देना,
विजन नहीं होगा, विजन नहीं होगा, फोकस नहीं होगा, टारगेट नहीं होगा, किस पे काम करेंगे, यही चीज है। अच्छा एक चीज मुझे समझ नहीं आती, इस टाइम पाकिस्तान की मतलब पंजाब की बात कर लें, सिंध की बात कर लें, जो कंडीशन है, इसके बावजूद अगर वहाँ पे कश्मीर, जो हमारे साइड कश्मीर है, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं बेरोजगारी को लेकर, इवन वो खंभे उखाड़ के जो उनसे वो फेंक रहे हैं कि भाई बिजली आप यहाँ से लेते हो, हमें बिल ज्यादा आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आपको नहीं लगता कश्मीरी इन सब चीज़ों को बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हैं कि पाकिस्तान ये बहुत दलेर लोग हैं, बहुत दलेर कौम है, इस वक्त तक ये टाइम निकाल गई है, अदरवाइज इनको सपोर्ट कोई नहीं है, ठीक है, ठीक है, बस इनकी अपनी हिम्मत, ये अपनी हिम्मत पे लगे हुए हैं, कुछ हैं हमारे अदारे जो उनके साथ देते हैं, लेकिन वो लाइट से हैं, इनको छतरोल के बगैर इनका काम नहीं होना, ठीक है, इंडिया की छतरोल होगी तो फिर ये काम होगा, इंडिया की छतरोल इंडिया करेगा या हम करेंगे, करेंगे तो हम ही, ये कश्मीर वाले हमारे साथ मिलके करेंगे, ठीक है, आप मैं वही तो बात कर रहा हूँ, जितनी तेजी से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये ना हो कि गेम उल्टी हो जाए, असल में उसको थपकी है अमेरिका की, अच्छा उसने निकल जाना बाहर, इसको इसको फंसा के, ये मोदी को फंसा के उसने निकल जाना, किसने, अमेरिका, अमेरिका ने जैसे पहले निकलता है, फंसाएंगे किसके सामने, पाकिस्तान के सामने, रशिया के सामने फंसाएंगे, पाकिस्तान के सामने फंसाएंगे, ठीक है, इसको चाइना के सामने फंसाएंगे, ठीक हो गया। आपको लगता है पाकिस्तान की इस टाइम ऐसी कंडीशन है कि हम मुकाबला कर सकें, फंसना फंसाना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सकते हैं, ठीक है, हम तो डरते नहीं हैं मौत से, वो तो मौत से भी डरते हैं, और जो मौत से डरता है उसने क्या लड़ना है? सर अगर हिस्ट्री की बात करें, आप थोड़े एजुकेटेड लग रहे हैं, चार जंगें हमारी हुई हैं, कितनी हम हारे कितनी हम जीते, वो ये मतलब डर वाला कंसेप्ट तो सारा सामने आ जाता है, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल फेक चल रहा है सब कुछ, अच्छा सब कुछ रियलिटी क्या है, देखने वालों को अगर एक दो मिनट में रियलिटी बताएंगे, भाई ये सच है, ये जो चल रहा है ये फेक है, रियलिटी ये है, सच यही है कि मोदी आएगा घुटने के बल आएगा, अच्छा कैसे और वो कब आएगा, ये आएगा ना जब इनके हाथों चढ़ जाएगा अमेरिका के कहने पे, ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल है, तीनों पता है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट अभी दो दिन पहले G20 की मीटिंग के लिए दिल्ली में मौजूद थे, और वहाँ पे वो जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, वो वहाँ उनके साथ जो उनसे वो बिजनेस डील्स कर रहे हैं, रशिया जो उनसे वो तारीफ कर रहा है, अभी आज खबर आई है उन्होंने जो तारीफ की है, दुनिया इवन सऊदी अरेबिया तारीफ कर रहा है, आपको लगता है कि इतने रिलेशन, और हम तो कटते जा रहे हैं, आप इस बात से भी एग्री करेंगे या नहीं कि हम लोग कटते जा रहे हैं? कुछ नहीं होना, ये सिर्फ एक फेक बातें हैं, थप थप किया दे रहे हैं, अपने आप को सेफ कर रहे हैं कि पता नहीं वो क्या करने लगा, कुछ नहीं, उससे होना ही कुछ नहीं, ठीक है, चांद पे चला गया तो क्या हो गया, नहीं चांद पे जाना छोटी बात नहीं, कोई है, बड़ी बात नहीं है, दुनिया में अभी तक चार कंट्री गए हैं, चले गए ना, और भी कोई ऐसी इशू नहीं है, ये इशू कोई नहीं है, ठीक है, अच्छा ठीक है, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है, लास्ट में मुझे बता दें कश्मीरी ये सारी सिचुएशन को किस नज़र से देख रहे हैं? कश्मीरी इंशाल्लाह अपने पाँव पे भी खड़े होंगे, आज़ाद भी होंगे, और उनका दिल करेगा इनके इनके रवैये देख के तो पाकिस्तान के साथ भी मिलेंगे, अच्छा, और पाकिस्तान के रवैये, पाकिस्तान वाली साइड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो किसके साथ मिलेंगे? उनके खिलाफ तो नहीं हो रहा ना, अच्छा उनके खिलाफ नहीं हो रहा, ठीक हो गया, आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया जी आपने बात की, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका नाम? मोहम्मद शबीर। क्या करते हैं सर आप? मैं मजदूरी करना है। ठीक है, मुझे ये बताएं कश्मीर के हवाले से, आप छोटे होते से सुनते आ रहे होंगे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर के साथ हम खड़े हैं, हमने आज तक कश्मीर वालों के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया, कश्मीर वाले ने सानू बर्बाद करके रख दिया। उर्दू में अगर बात करें तो ज्यादा आसान हो जाएगा, ये हम फिर नारा तो लगाते हैं ना, नारा बस मजबूरी है साड़ी, नारा लगाना हमारी मजबूरी है, ठीक है, अभी खबर ये आ रही है कि लद्दाख में जो इंडिया साइड एरिया है, लद्दाख में वहाँ पे वर्ल्ड जो सा हाईएस्ट एयर फाइटर एयर जो सा फील्ड बनाई गई है, क्या कहना चाहेंगे? कभी वो कश्मीर में वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज बना दे, रेल ब्रिज बना देते हैं, ऐसे उन्होंने जो अनाउंस किया, क्या कहेंगे? इंडिया इस टाइम पाकिस्तान तो बहुत आगे जा चुका है, ये पाकिस्तानी कुछ भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ मुल्क नूं लुट सकते, जिन्हें साडे MNA MPA वजीर वजीरे आला खारजा सब मुल्क नूं लुटन वास्ते बैठे ने। अंकल जी बेहतरी किवें, कोई उम्मीद है कि नहीं उम्मीद है जी, चलदा जी कोई उम्मीद नहीं है, इन्हां नूं चाहिए मुल्क किसान दे दें, किसे कि अगर देना है तो किसे देंगे? चाइना नु दे देना, इंडिया नु ही दे देना। अच्छा चलो स्यापा ही मकान अपना। दोस्तों भारत लगातार अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जिसमें भारत ने अब 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाने की भी मंजूरी दे दी है। दोस्तों ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भारत और रशिया दोनों मिलकर बना रहे हैं, लेकिन इसे भारतीय सेना में शामिल करने में अभी 2-3 साल और लग जाएंगे। इसी बीच एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारत अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदने जा रहा है, जो कि दुनिया का बेस्ट एयरक्राफ्ट माना जाता है, जिसे बहुत सारे देश खरीदने के सपने देखते हैं।
लेकिन अब दोस्तों भारत अमेरिका से F-35 खरीदने जा रहा है, जिसकी मंजूरी पहले ही अमेरिका की तरफ से दे दी गई थी। और अमेरिका भी चाहता है कि भारत F-35 फाइटर जेट खरीदे, जिसे अमेरिका को भी काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। लेकिन दूसरी ओर चीन और पाकिस्तान के लिए F-35 किसी बुरे सपने से कम नहीं होने वाला, क्योंकि F-35 की टक्कर का कोई भी एयरक्राफ्ट इन दोनों देशों के पास नहीं है। दोस्तों F-35 की खासियत की बात करें तो यह आवाज़ की गति से भी 1.5 गुना ज़्यादा तेज रफ्तार से उड़ सकता है। वहीं ये दुनिया के कोई भी रडार सिस्टम में दिखाई नहीं देता। वहीं दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये किसी भी प्रकार की मिसाइल या फिर परमाणु बम हवा से ही किसी भी जगह मार सकता है। दोस्तों आप इसकी कैपेसिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हो कि ये F-35 एयरक्राफ्ट में 8,000 किलोग्राम से भी ज़्यादा के हथियार एक ही समय पर डिप्लॉय किए जा सकते हैं। दोस्तों इस खबर के बारे में पाकिस्तानी लोगों को बताया गया तो उन लोगों का कहना था कि भारत जितने चाहे उतने F-35 अमेरिका से खरीद सकता है, हमारे पास तो खाने को आटा नहीं है, ऐसे में हम फाइटर जेट कैसे खरीद पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।